अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको टू वे चिकन बॉल्स बताएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए पाव किलो, हमने बोनलेस चिकन लिया है, 10 हरी मिर्च लेंगे, नमक, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ओरिगैनो, कोथमीर, मैदा, 3 हमने चीज क्यूब्स लिए हैं, इसे ग्रेट कर लिया है, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 मीडियम कांदा, 1 अंडा, मोंजरेला चीज लिया है हमने, क्यूब्स में काट लिया है उसे, छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स लेंगे और हमने ब्रेड स्लाइसेस को छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ब्लेंडर में हम पहले बोनलेस चिकन डालेंगे, इसे हमने धो के रखा था। कांदा डालेंगे, हरी मिर्च और नमक डालेंगे, सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ओरिगैनो, इसे ब्लेंड कर लिया है हमने। इसे फाइन पेस्ट बनाना है, इसलिए फिर कोथमीर डाल के फिर से एक बार ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद आप इसमें ग्रेटेड चीज डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब हम इसका छोटा सा पोर्शन लेंगे, इसे फ्लैट करेंगे और हमने जो चीज़ क्यूब्स लिया है इसे हम इसके अंदर स्टफ कर लेंगे। अच्छी तरह से कवर करना है और एक राउंड बॉल बना लेना है। हमने जो ब्रेड के क्यूब्स लिए हैं इसे इस तरह से स्टिक करना है हमें। आप अंडा या फ्लावर पेस्ट लेके भी इसे अच्छी तरह से स्टिक कर सकते हैं, और अगर कहीं पर जगह छुटी है तो आप उसे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे चारों तरफ से। उसे लाइटली प्रेस करना है हमें। इसे डीप फ्राई करना है। ये चिकन फुटबॉल बना रहे हैं हम। जब तक एक साइड पूरा कुक ना हो जाए आप इसे फ्लिप नहीं करेंगे। देखिए एक साइड पूरा पक चुका है और कलर भी चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे, क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। चिकन फुटबॉल तैयार है। इसे किचन टावल पे पहले निकाल लेंगे। आपको कट करके बताते हैं। इसे कितने अच्छे चीज मेल्ट हो रही है देखिए। अब हम आपको चिकन बॉल्स बनाना बताएंगे। सेम में आपको चिकन का मिक्सचर लेना है, छोटे छोटे बॉल्स बनाना है आपको। इसे हम मैदे में रोल कर लेंगे, फिर इसे अंडे में हमें डिप करना है। ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, उसे ब्रेड क्रम में अच्छी तरह से कोट कर लेना है, डीप फ्राई करना है हमें। लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे हम। हर 2 मिनट के बाद इसे फ्लिप करते रहेंगे। अगर आप फास्ट पे करेंगे तो अंदर का चिकन कच्चा रह जाएगा। जब तक ये क्रिस्प गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है चिकन बॉल्स का। चिकन बॉल्स तैयार हैं। हम आपको काट के बताते हैं कितने अच्छी तरह से अंदर से पक चुका है। देखिए हाई फ्लेम पे पकाना नहीं है आपको, उसका ध्यान देना है। चिकन बॉल्स और चिकन फुटबॉल तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।